दोस्तों, ये है Realme C15 मोबाइल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme C15 मोबाइल को जो है फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, यानी कि पूरा का पूरा डाटा फॉर्मेट कर सकते हो। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है दोस्तों। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों एडिशनल सेटिंग जो आपको मिल जाएगी इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको जो है यहाँ पर जो है सबसे नीचे आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे जो है इरेज ऑल डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ इरेज ऑल डाटा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप करोगे तो फिर से आपको इरेज डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे करोगे दोस्तों तो दोबारा से फिर से ये कन्फर्म करेगा। तो ये जैसे ही कर दोगे तो आपका फ़ोन जो है ये स्विच ऑफ हो जाएगा और आपका प्रोसेस जो है रीसेट करने का वो चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये करने के बाद देखिए मेरा मोबाइल जो है फिर से ऑन हो रहा है और अभी ये जो है प्रोसेस लेगा कम से कम 2-3 मिनट का, क्योंकि दोस्तों जो है डाटा इरेज करने में, फैक्ट्री रीसेट करने में जो है काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ देखिए ये प्रोसेस चल रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये कुछ टाइम लेगा, तो चलिए मैं बताता हूँ उसके बाद आपको क्या करना होता है इसमें। तो दोस्तों लगभग 1-2 मिनट का टाइम लेगा, उसके बाद जो है आपका मोबाइल जो है फिर से यहाँ पर न्यू मोबाइल की तरह जो है ओपन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से जो है अपने मोबाइल की सेटिंग करके जो है फिर से आप अपने मोबाइल को जो है न्यू की तरह चला सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है।